गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप सभी का लॉकडाउन पीरियड जो है बहुत अच्छे से बीत रहा होगा, और मुझे विश्वास भी है कि आप सभी गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए गए रूल्स हैं उसको अच्छे से पालन भी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि सबसे अच्छी देशभक्ति दिखाने का समय अभी है। अगर आप एक देशभक्त हैं तो जरूर अभी जो सिचुएशन है उसमें आपको कोऑपरेट करना है, अपने को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है और अपने सोसाइटी को सुरक्षित रखना है। ये आप तब कर सकते हैं जब आप जो भी गवर्नमेंट के रूल्स बनाए गए हैं आप उसको अच्छे से पालन करें। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप आगे भी अच्छे से पालन करते रहेंगे, और ये मेरा पूरा विश्वास है आपके ऊपर, आप स्वयं इसको करेंगे। चलिए हम अपना जो कंटिन्यूएशन में जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। हेलो, आज हम कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही कंटिन्यूटी टर्म आता है आपके माइंड में श्योर आता है कॉन्टिन्यूटी किस चीज की, तो कॉन्टिन्यूटी हम फंक्शन की पढ़ने वाले हैं, और किस पर पढ़ने वाले हैं मीन्स किस जगह पर देखने वाले हैं मीन्स दैट इज द अपॉइंट, मीन्स कॉन्टिन्यूटी अपने आप में ये शो होगा कि बिना फंक्शन के या बिना किसी पॉइंट के हम कॉन्टिन्यूटी किसी चीज की नहीं देख सकते, ठीक है। तो अभी मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूँ हम लोग ने अभी तक मैथ्स में क्या किया था। हमने सबसे पहले सेट थ्योरी पढ़ी थी, सेट थ्योरी, इसके बाद आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ा था हमने, ये सब हमने 11th में किए थे। इसके बाद आपने क्या किया था, इसके बाद आपने रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन पढ़ने के बाद हमने फंक्शंस को पढ़ा था, फंक्शंस, आफ्टर कंप्लीटिंग रिलेशन वी कम टू द फंक्शन। फंक्शन के बाद आप कंटिन्यूएशन देखते जाइएगा, दैट इज लिमिट, लिमिट, लिमिट पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी, मीन्स After completing limit, we come to the continuity. Continuity जब complete होती है तो उसके बाद हम move करते हैं differentiability, ठीक है। तो सारा sequence है, set theory पढ़ते हैं, Cartesian product पढ़ते हैं, Cartesian product के set से ordered pair define होता है, ordered pair से हम relations बनाते हैं, कुछ relations functions बनते हैं, और functions जब हमने पढ़ा था तो function की हमने limit पढ़ी थी, ठीक है, और लिमिट के बाद हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ने वाले हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं कहीं कहीं एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और ये आगे एक दूसरे को हेल्प करते हैं। कॉन्टिन्यूटी पढ़ने से पहले हमें लिमिट आना चाहिए, क्योंकि लिमिट के कांसेप्ट का इसमें यूज होता है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अ फंक्शन, इज ए फंक्शन हूज हूज ग्राफ whose graph can be drawn, whose graph can be drawn without lifting the pen from paper। ये हुई कॉमन सेंस की बात, मीन्स कॉन्टिन्यूटी से हम मैथमेटिकल यूज पे नहीं जाते, सबसे पहले हम कॉमन सेंस की बात करते हैं ताकि एक्चुअली कॉन्टिन्यूटी की मीनिंग क्या है। कॉन्टिन्यूटी कहता है कि किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, कि अगर आप उसका ग्राफ खींच रहे हो और ग्राफ हम खींचते समय पेन को लिफ्ट नहीं कर रहे, पेन को नहीं उठा रहे, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहा, ठीक है। जैसे हम ग्राफ खींचते समय जनरली क्या करते हैं, जैसे सपोज करो हमने इसको इलस्ट्रेट करने के लिए हम दो ग्राफ ले लेते हैं, लेट
एक फंक्शन y cos x स्क्वायर लेते हैं। आपने इस ग्राफ को पढ़ा है यानी कि पैराबोलिक ग्राफ, ये इस टाइप का ग्राफ बनता है, इस टाइप के ग्राफ को हम खींच सकते हैं। दैट इज द y cos x स्क्वायर, इधर पॉजिटिव पॉइंट है x पर और इधर आपका नेगेटिव है, यहां पे आपका 0 है। तो इस ग्राफ को अगर आप खींच रहे हो तो यहां से लेके ऐसे आप पेंसिल से या पेन से आप ऐसे कर्व को बनाते चले जाओगे, बनता चला जाएगा, कहीं भी हमने पेन को नहीं पाया। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो है कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। ये इस ग्राफ को हम कॉन्टिन्यूअस कर सकते हैं क्योंकि ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा। इसी के पैरेलल हम एक दूसरा फंक्शन ले रहे हैं, सपोज वी टेक y = 1 / x। 1 / x का ग्राफ आपने जो फंक्शन पढ़ा था उसमें आया था, 1 / x का ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो ये x की वैल्यू अगर 0 होगी तो समय ये इनफाइनाइट वैल्यू देगा, तो और जब ये x इनफाइनाइट होगा तो समय वैल्यू 0 आएगी। तो इसका ग्राफ हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, इस टाइप का ग्राफ होता है, और जब आप x की नेगेटिव वैल्यूज लेते हो तो ये माइनस इनफिनिटी को जाएगा इस टाइप से। तो ये ग्राफ आपका 1 / x का है, यहाँ पे x आपका 0 है और ये आपका इनफाइनाइट जा रहा है, इधर आपका माइनस इनफिनिटी जा रहा है। ऐसे इसमें भी है, पूरी एक्सिस है, इधर हम पॉजिटिव इनफिनिटी मान सकते हैं, इधर माइनस इनफिनिटी मान सकते हैं। इस ग्राफ में एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि x इक्वल्स 0 के पास हम जब आ रहे हैं तो ग्राफ इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक। और जब हम x के लेफ्ट में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं तो ग्राफ माइनस इनफिनिटी की तरफ जा रहा है, ये माइनस इनफिनिटी आ रहा है। यानी x के स्लाइड पॉजिटिव जाने पे पॉजिटिव इनफिनिटी आ रहा है, x के स्लाइड नेगेटिव जाने पे माइनस इनफिनिटी आ रहा है। मींस x इक्वल्स 0 पे ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। तो इस टाइप के ग्राफ जहां पे ब्रेकिंग होगी इसको हम डिसकंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस ग्राफ बोलेंगे। मींस ये ग्राफ कंटीन्यूअस नहीं है, या बहुत सारे ग्राफ खींच सकते हैं। कई बार ऐसे ग्राफ आ जाते हैं जब आपने कुछ किया फिर यहाँ पे पॉइंट आ गया, फिर इसके बाद इस पॉइंट पे सपोज x इक्वल्स टू a पे ग्राफ पहले नहीं दिया, जैसे सपोज करो हमने फंक्शन ले लिया या ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a, यहाँ पे x इक्वल्स a की वैल्यू डायरेक्ट हमें निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के वैल्यूज के लिए जहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट डिफाइन नहीं हो रही है वहां पे आउटपुट नहीं मिल रहा है, मीन्स वहां पे ग्राफ खींचते समय वो पॉइंट नहीं है, वहां पे ग्राफ ब्रेक हो जाएगा। ऐसे जहां पे ब्रेकिंग हो रही होगी उसको हम बोलते हैं कि वहां फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। तो ठीक है, अब हम थोड़ा मैथमेटिकल बात करते हैं, मैथ्स में कैसे देखा जाता है मैथमेटिकल अप्रोच। मैथमेटिकल अप्रोच ये कहता है कि लेफ्ट साइड से आप उस पॉइंट पे वैल्यू देखो, राइट साइड से उस पॉइंट
अगर ये दोनों सेम हो रहे हैं, इफ एल एच एल इक्वल्स टू आर एच हो रहा है, हम इसको बोलते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ f x एक्सिस, हम इसको बोलते हैं लिमिट एक्सिस कर रहे हैं। ठीक, अब कॉन्टिन्यूटी में क्या करना होगा, कॉन्टिन्यूटी में एक टर्म और आ जाएगा कि इस पॉइंट पे वैल्यू मींस हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे x इक्वल्स टू a है सपोज, हम देखेंगे लेफ्ट साइड से वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट साइड से वैल्यू क्या आ रही है, दैट शुड बी द राइट हैंड लिमिट, और इस पे वैल्यू मींस यहां से वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू क्या आ रही है, f ऑफ a है। तो तीन तरफ से अप्रोचिंग होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू क्या आ रही है, राइट हैंड वैल्यू क्या आ रही है और डायरेक्ट वैल्यू क्या आ रही है। अगर ये तीनों वैल्यू सेम आ रहे हैं तो हम कहेंगे इफ इफ एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये अगर तीनों सेम आते हैं मींस लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू f ऑफ a, आर वी कैन राइट इन सिंगल वर्ड लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू f, ये अगर हो रहा है जिस भी क्वेश्चन में हम अगर ये दिखा पाते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों सेम है, तो उस केस में हम कहेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, या हम कहें लिमिट एक्सिस्ट कर रहा हो और लिमिट की वैल्यू जो आ रही है वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर आ रहा है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए ये हम हमेशा चेकिंग रहेंगे। हमने क्या कंक्लूड किया, डेफिनेशन क्या कॉन्टिन्यूटी की होती है, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू a इफ लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल हो, या कहो कि लिमिट एक्सिस कर रहा हो और लिमिट की वैल्यू फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल है, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो फंक्शन वैल्यू कॉन्टिन्यूस है। अब हम कुछ देखते हैं कि ये सिचुएशन आएगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, तो किन सिचुएशंस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, तो डिसकॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी कहां कहां हो सकती है, पहला लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो या फिर दोनों बराबर आ रहा है लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल हो, इफ दिस हैपेंस तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, और इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूवेबल इफ दिस देयर फंक्शन हैज रिमूवेबल देयर डिसकंटिन्यूटी। इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को जहां पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों सेम आ रहा हो लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल नहीं आ रहा हो उसको हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। सेकंड, इफ इनमें से दोनों लिमिट एक्सिस्ट कर रहे हैं लेकिन आपस में इक्वल ना आ रहे, इफ लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f x is not equals to limit x tending to a plus f x, means left limit right limit exist to kar rahe lekin dono aapas mein equal nahi aa rahe, then function has first type is continuous। इस टाइप को हम फर्स्ट टाइप डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। तीसरा एक टाइप है इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स आर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स आर बोथ मींस लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट या दोनों एग्जिस्ट ना कर रहे हो आर बोथ does not exist,
एग्जिस्ट ना कर रहे हो, इस केस को हम सेकेंड टाइप ऑफ देम, फंक्शन हैज सेकेंड टाइप डिसकंटिन्यूटी, इस टाइप की को हम सेकेंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो कोई भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस हो रहा है तो इनमें से कोई ना कोई वन टाइप का होगा, ठीक है। तो हम अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो चेक कर सकते हैं कि किस टाइप की वहां पे डिसकंटिन्यूटी है। अब हम कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिससे ये टॉपिक आपका और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय 2x-1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, 2x+1 एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0। पहला पार्ट हम कर रहे हैं, दो पार्ट हमने लिख रखा है, वन बाय वन इसको डिस्कस। फर्स्ट फंक्शन इज गिवन 2x-1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड 2x+1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम एट पॉइंट एक्स इक्वल 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। एट पॉइंट कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी के लिए अभी आपने देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, लेफ्ट साइड को 0 माइनस प्रोपोर्शन लेते हैं और लिखते समय हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिखेंगे और लेफ्ट के लिए जो फंक्शन डिफाइन है 0 से स्लाइड छोटी वैल्यू के लिए डिफाइन है वो वाला फंक्शन लिखा जाएगा। तो 0 से स्लाइड छोटी के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है, 2x-1 लिखेंगे। अब इसमें x को 0 वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 × 0 - 1 आ जाएगा, दैट इज इट। नाउ सेम टाइम यू शुड फाइंड द राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx, 0 प्लस है fx निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 0 प्लस 0 माइनस के और फंक्शन कौन सा लेना है इसके लिए हम नोटेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो 0 प्लस मींस स्लाइड वैल्यू 0 से बड़ी जो हो, तो 0 से बड़ी के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है, सो दिस शुड राइट इट एज 2x+1। नाउ सब्स्टिट्यूट 0, इट गिव्स यू 2 × 0 + 1, दैट इज 1। तो आप यही पे देख सकते हो कि लेफ्ट लिमिट -1 आ रहा है, राइट लिमिट 1 आ रहा है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा यही वे फंक्शन दिख गया, इट इज कंटिन्यूअस। आप लिख सकते हो सिंस LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अगर ये फंक्शन दोनों सेम वैल्यू देता, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सेम वैल्यू देता, तो हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकालते, फिर तीनों को चेक करते कि तीनों इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया भी इक्वल है। सेकंड पार्ट को करते हैं, दैट इज x-1 x-2, हियर इट इज मॉडुलस फंक्शन, सो वी फर्स्ट डिफाइन मॉडुलस फंक्शन। तो मॉड ऑफ x-1 कैन बी रिटन एज x-1 इफ x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इट शुड बी द माइनस टाइम x-1 इफ x-1 इज लेस देन 0, दैट इज x इज लेस देन 1। नाउ इन सेम वे वी शुड राइट x-2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 and minus time x-2 if it is x is less than 2, ठीक है। अब इन दोनों को add करके लिखने जा रहे हैं, fx function हमारा add होने के बाद क्या बनेगा उसको हम देखते हैं। अभी हमारी वैल्यू जो आ रही है, एक वैल्यू 1 से छोटी की बात हो रही है, 1 और 2 के बीच में बात हो रही है और 2 से बड़ी वैल्यू बात हो रही है। तो सबसे पहला हम रिजल्ट ले रहे हैं x is less than 1, जब x 1 से छोटा है तो क्या होगा, when x is less than 1 this value becomes negative, so it gives you minus, this value gives you
माइनस टाइम x माइनस वन या हम इसको रिवर्स करके वन माइनस है। फर्स्ट फंक्शन का आप देखो x लेस देन वन के लिए वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। और जो फंक्शन वन से छोटा होगा, वैल्यू अगर वन से छोटी होगी दैट मस्ट बी द लेस देन टू, तो इसकी भी वैल्यू हम लिख देते हैं टू माइनस एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी x की वैल्यू जब 1 से छोटी है। दूसरी वैल्यू हम डिफाइन कर रहे हैं जब वैल्यू 1 या 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में x की वैल्यू लाई कर रही है। तो अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी तो फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा के लिए पॉजिटिव लिखा गया है, इस वाले को हम पॉजिटिव लिखेंगे, x प्लस 1 लिखेंगे। बट इट इज लेस देन 2 सो वी शुड राइट सेकंड फंक्शन लेस देन 2 दैट इज द नेगेटिव ऑफ x माइनस 2। ओके, नाउ थर्ड वी शुड टेक, थर्ड फंक्शन वी आर गोइंग टू टेक x इज ग्रेटर देन 2। When we are taking the value greater than 2, means it must be the more than 1. So this function becomes positive, means we should write it as, here it is minus sign, sorry. It is x minus 1, it becomes x minus 1 plus x minus 2 in this way. When value is more than 2, both should be the positive. Now, if we write it start, so it becomes f of x equals to 3 minus 2x if x is greater less than 1, and it is, when we split it, it gives you minus minus cancel out, so it gives you plus 2, 1, and if x is, if x lies between 1 and 2, if x lies between 1 and 2, and next 2x minus 3 if x is more than 2, x is more than or equal to 2. तो इस तरीके से हमारा फंक्शन डिफाइन हुआ। एक्चुअली ये मॉडुलस फंक्शन दिया है, तो मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी से पहले हमें फंक्शन डिफाइन करना होगा, फिर हम उसकी कंटिन्यूटी चेक कर पाएंगे। नाउ कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1 बनता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ऑफ fx की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस के लिए फंक्शन हमारा ये डिफाइन है 3 माइनस 2x, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू इट गिव्स यू सिंपली 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ऑफ fx दैट गिव्स यू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 प्लस के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है उसको हम देखेंगे, 1 प्लस के लिए 1 ही आ रहा है, इसकी वैल्यू 1 ही है। वैल्यू 1 पे क्या आ रही है, 1 पे वैल्यू इक्वल साइन जहां पे लगा रहेगा उसको हम वहां पे वैल्यू देखते हैं, तो इक्वलिटी इस पे है, इसकी वैल्यू 1 है, तो आप देख सकते हो ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, ये वैल्यू 1 आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = 1, फंक्शन जो है x = 1 पे कंटीन्यूअस है। अब हम continuity at x equals to 2 देखते हैं। Now continuity at x equals to 2, अब 2 पे चेकिंग कर रहे हैं, तो जैसे हमने अभी 1 पे देखा था ऐसे 2 पे देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x tending to 2 माइनस ऑफ fx, 2 माइनस मींस 2 से छोटे के लिए, आप देख सकते हो 2 से बड़े के लिए फंक्शन डिफाइन है, 2 से छोटे के लिए वैल्यू 1 आ रही है, इसलिए हम यहां पे लिमिट x tending to 2 माइनस पे 1 है तो 1 ही लिखा है। ठीक है, और 2 राइट पे भी देख लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस ऑफ fx की वैल्यू क्या होगी, ये आपकी लिमिट x टेंडिंग टू 2, 2 से बड़े के लिए फंक्शन ये डिफाइंड है दैट इज 2x माइनस 3, अब हम 2 वैल्यू रखेंगे तो 4 माइनस 3 दैट इज 1। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू 2 भी क्या आएगा वो भी देखेंगे हम, f of 2 अगर आप निकालते हो तो
आपको वैल्यू भी 1 मिलेगी। तो यह f ऑफ 2 भी 1 है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट भी 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़ा हटके है। क्वेश्चन इज इफ द फंक्शन fx गिवन बाय दिस वन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। यहां पे a और b दो अननोन्स हैं, इनकी वैल्यूज निकालनी है और फंक्शन को हमें चेक नहीं करना है कॉन्टिन्यूअस है, इट इज ऑलरेडी गिवन इट इज कॉन्टिन्यूअस। सो जस्ट सी, सबसे पहले सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू f एट 1, ये होगा क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस की है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों सेम होंगे। तो अभी हम 1 by 1 निकाल रहे हैं या एक साथ ही कर सकते हैं, एक साथ ही कर लेते हैं क्योंकि टाइम किल नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखो। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 माइनस के फंक्शन कौन सा डिफाइन है, 1 माइनस की वाला डिफाइन है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1। 1 माइनस लिख है केवल फंक्शन हमें देखना है कि फंक्शन कौन सा डिफाइन है, दैट इज द 5ax - 2b और 1 plus के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 प्लस के लिए फंक्शन हमारा ये वाला डिफाइन है, इसलिए यहां पे हम 3ax + b लिख रहे हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 1 क्या गिवन है, f ऑफ 1 की वैल्यू एट x = 1 इट इज दैट क्लियर है, ये हमने लिख दिया। अब आप लिमिट रखते हैं, लिमिट रखने के बाद ये 5a - 2b एंड हियर वी गेट 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 11। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, फर्स्ट वन इज 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड वी गेट 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 11, दैट इज योर इक्वेशन 2। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड वट एवर वी गेट दैट इज द वैल्यूज ऑफ a एंड b। So just multiply by 2 here and it becomes 6a plus 2b equals to 22 and here we have 5a minus 2b equals to 11. When we add that should be the 11a and here should be the 33. So this implies a becomes 3. When a is 3, then when you substitute value b becomes b equals to, suppose we substitute here, so 9 plus b equals to 11, so b becomes 2. Hence, answer is your a equals to 3, b equals to 2. तो किसी किसी क्वेश्चन में अगर अननोन गिवन है तो आप फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया होगा तो आप लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन को इक्वल कर दोगे तो जो अननोन होगा निकल आएगा। एक क्वेश्चन हम और लास्ट करते हैं, उसके बाद आप इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन देता है इफ एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया इस तरीके से, ये वाला 1 माइनस कॉस 4x अपॉन x स्क्वायर डिफाइन है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, a है वैल्यू जब x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये वाला फंक्शन। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। मींस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो उस समय a और b की वैल्यूज क्या है। तो जैसे हमने पहले ही बताया था, सॉल्यूशन करते समय आप फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, 0 पे चेकिंग करना है इसलिए 0 माइनस fx लिखने जा रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, बहुत ध्यान से देखना, 0 माइनस मीन्स 0 से छोटी वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो अभी देखो 0/0 फॉर्म बन जा रहा है, लिमिट का 0/0 फॉर्म बनता है, हम लिमिट डायरेक्ट नहीं रख सकते,
तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन क्या है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos 4x, इसको हम हाफ एंगल में चेंज करते हैं, देन इट बिकम्स 2 sin स्क्वायर 2x बन जाएगा अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा फंक्शन sin स्क्वायर 2x आ चुका है, तो इसको हम चेंज करेंगे sin थीटा अपॉन थीटा है। तो ये चीज अभी हम लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर 2x है, यहाँ पे एंगल 2x है, यहाँ पे हम 2x का स्क्वायर लगा देते हैं, हमने यहाँ 4 लगाया है इसलिए 4 को बैलेंस करने के लिए 4 लगा देते हैं, न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में 4 को मल्टीप्लाई करके इस तरीके से कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप कर लेते हो तो आप देखोगे इसकी वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 और ये वैल्यू हुई साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर इनटू 4 बन जाएगा, इसकी लिमिट 1 हो जाएगी, सो वी गेट 2 इनटू 1 इनटू 4, सो फाइनली वी गेट 8। ये साइन थीटा अपॉन थीटा जब भी बनता है उसकी लिमिट 1 हो जाती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल लिया 8 आया, फंक्शन कंटीन्यूअस है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों सेम होते हैं, आंसर आप तुरंत लिख सकते हो 8 आपका a8 आ रहा है, लेकिन अगर आप राइट साइड भी निकालते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए हम राइट साइड भी सॉल्व करके लिखते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पे लिख रहे हैं हम फंक्शन f(x) और इसके लिए जो फंक्शन डिफाइन है आप देखो तो ये वाला फंक्शन डिफाइन है जो कि लिखा हुआ है रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। इस टाइप के फंक्शन को हमने बताया था कि जब कभी रेडिकल्स आएंगे तो हम उसको रेशनलाइज करके सॉल्व करेंगे, तो अभी हम रेशनलाइजेशन करने जा रहे हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट एक्स, इसमें हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 से, और यही सेम चीज़ का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में भी करेंगे, 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 अपने पास था और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 से। ठीक है, a माइनस भी अपने पास था, a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया। अब थोड़ा सा और सॉल्व करके देखते हैं क्या रहा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 इट बिकम्स रूट एक्स एंड हियर न्यूमरेटर बिकम्स 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 एंड डिनोमिनेटर को देखना है ध्यान से, डिनोमिनेटर को ये रूट ये रूट मल्टीप्लाई होंगे रूट 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा और ये 4 जा 16 हो जाएगा, इस 16 से इस 16 को कैंसिल कर सकते हैं, इस डिनोमिनेटर रूट एक्स को अभी हम इस रूट एक्स से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि जिससे डिफाइन नहीं हो रहा था लिमिट अब डिफाइन होने लग रहा है। अब आप वैल्यू रख देते हो तो 0 जब आप वैल्यू रखते हो तो 16 प्लस रूट 0 आ जाएगा प्लस 4 दैट इज 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, मीन्स आप लिख सकते हो सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों सेम होते हैं, तो ये भी वैल्यू 8 आ रही है, ये भी वैल्यू 8 आ रही है और ये वैल्यू आपका a लिखा है, तो आंसर आप फाइनली इस इम्प्लाइज ए बिकम्स ए आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड में 4 मार्क्स में पूछा गया है इसलिए हमने यहाँ पे किया। तो इस तरीके से आप लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई डिस्कस टुडे, नाउ इट्स योर जॉब, यू हैव टू डू सम मोर प्रैक्टिस टू मेक इट कन्फर्म। ओके, सो आप कुछ क्वेश्चंस और बुक के करके प्रैक्टिस करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। और एक मेरी आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी प्रीवियस वीडियोस को नहीं फॉलो किया है वो उसको देख के अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें, और क्योंकि हम कंटिन्यूस अब कैलकुलस टॉपिक में बढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू।